पंकजा मुंडे के बहाने अपनी ही पार्टी पर बरसे एकनाथ खड़से। तो क्या महाराष्ट्र बीजेपी में होने वाली है बड़ी फूट? महाराष्ट्र में सत्ता जाने के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। यहां पार्टी के नेता लगातार बगावत के संकेत दे रहे हैं। पंकजा मुंडे के बगावती सुर भले ही नरम पड़ते दिखाई दे रहे हों, लेकिन बात यही खत्म होती दिखाई नहीं दे रही है। पंकजा के बाद अब पार्टी के एक और नेता ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल महाराष्ट्र बीजेपी के सीनियर नेता एकनाथ खड़से ने दावा किया है कि पार्टी के कुछ नेताओं ने उनकी बेटी रोहिणी और पूर्व मंत्री पंकजा मुंडे की चुनावी हार में एक सक्रिय भूमिका निभाई। मीडिया से बात करते हुए खड़से ने कहा कि मेरा और पंकजा का ये विचार है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने उन्हें और रोहिणी को हराने का प्रयास किया। मैंने प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को इस बारे में सूचित कर दिया है। एकनाथ खड़से को तत्कालीन सीएम देवेंद्र फडणवीस का प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। खड़से को 2016 में भूमि हथियाने के आरोपों को लेकर तत्कालीन बीजेपी सरकार के राजस्व मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया था। खड़से का ये बयान उस वक्त में आया है जब बीजेपी के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे बीजेपी से बगावत के संकेत दे चुकी है। पंकजा ने न सिर्फ 12 दिसंबर को अपने सियासी भविष्य को लेकर बड़ा फैसला करने की बात कही थी, बल्कि अपने ट्विटर बायो से बीजेपी शब्द हटा दिया था। इसके बाद से ही पंकजा से बीजेपी छोड़ने के कयास लगाए जाने लगे थे। हालांकि बीजेपी नेता विनोद तावड़े से बातचीत के बाद पंकजा ने कहा कि वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगी और दल बदल की नीति उनके खून में नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से एकनाथ खड़से ने मोर्चा खोला है, उससे पार्टी में फूट के संकेत मिलने लगे हैं। आपको बता दें कि इसी साल अक्टूबर में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एकनाथ खड़से को टिकट नहीं दिया था। हालांकि पार्टी ने उनकी बेटी को जलगांव जिले में उनके गृह क्षेत्र मुक्ताई नगर से टिकट दे दिया था। वहीं पंकजा मुंडे बीड जिले में पराली सीट पर अपने चचेरे भाई और एनसीपी उम्मीदवार धनंजय मुंडे से हार गयी। खास बात यह है कि शिवसेना के गठबंधन तोड़ने से बीजेपी सत्ता से दूर रह गई और ऐसे में पार्टी के भीतर से बगावती सुर बुलंद होने लगे हैं। इंडिया न्यूज़ वारल की रिपोर्ट।